अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। एक बड़ी अच्छी रिसर्च बेस्ड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और अभी हमारी एक सीरीज चल रही थी, आपको याद होगा लास्ट टू मंथ्स पहले कैपको पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह शेयर चल गया, लेकिन वो कोई बाय कॉल नहीं थी। और क्योंकि मसला ये होता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ अपनी रिसर्च थीसिस वगैरह में इंक्लूड करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं चीज़ें अपडेट कर रहा होता हूँ। तो ऐसा ही एक बड़ा अच्छा टॉपिक अब आया है जहन में, और इस बार एक इंडस्ट्री पर आया है, नॉट अ सिंगल शेयर। आप देख रहे हैं कि इस वक्त COVID-19 की वैक्सीन हर तरफ आम है और उसकी शोर जोरों शोर से आवाज़ लग रही है। इवन इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत लोग COVID-19 की वैक्सीन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वहाँ हर गली गली में हर जगह वैक्सीन की शॉप खुल रही है, क्योंकि आपको पता है कि हर अगला बंदा वहाँ तो वैक्सीन लगाएगा। तो क्यों ना उससे रिलेटेड, जब वैक्सीन चलेगी तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो उससे रिलेटेड एक इंडस्ट्रीज़ है वायल्स एंड एम्प्यूल्स, यानी वो शीशी जिसके अंदर, वो सिलेंडर जिसके अंदर वैक्सीन स्टोर होती है। तो जब वैक्सीन चलेगी तो ये भी ऑटोमेटिकली चलेगी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं? तो अगर आप अपने ग्लास सेक्टर में जाके देखें तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो इस ये बना रहे हो। अब थोड़ा सा पसे मंजर में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो हमारे यहाँ जो ग्लास की इंडस्ट्री में ये जो वाइल्स और एम्प्यूल्स बनाने वाली कंपनीज थी, वो हिस्टोरिकली 2016 तक लॉसेस में थी, लेकिन अब वो ब्रेक इवन हुई और उसके बाद अब प्रॉफिट में भी आ गई हैं। सवाल ये है कि वो इदारे लॉसेस में क्यों थे? गौर से सुनिएगा। पहली वजह, पाकिस्तान में वाइल्स और एम्प्यूल्स लोकली पहले मैन्युफैक्चर नहीं होता था, तो चाइना से इंपोर्ट होता था और यूरोप से, राइट? लेकिन चाइना वाला जो वाइल्स और एम्प्यूल्स था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो ये जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, इन्होंने सबसे पहले जानबूझ के 2016 या उस टाइम पे अपनी प्राइसेस गिराई ताकि चाइना को आउट करें, और बाकायदा वो उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। ऑलमोस्ट अब 90% चाइना वाला शेयर जो पाकिस्तानी मार्केट का है वो पाकिस्तानी कंपनीज के पास ही आ चुका है, लेकिन यूरोपियन का जो शेयर है वो अभी 10-15% इनके पास आया है। तो पहली वजह ये इदारे लॉसेस में क्यों थे, क्योंकि इन्होंने अपने प्राइसेस गिराई जिसकी वजह से इनकी जीपी मार्जिन भी गिरे। और दूसरी वजह आपको पता है जो ग्लास बेस्ड इंडस्ट्री है, ये जो वाइल्स एंड एम्प्यूल्स है इसमें ग्लास यूज होता है, तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में पावर की नीड होती है, यानी गैस और इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप अपने यहाँ पाकिस्तान में 18-19 में देखें तो गैस और पावर की प्राइसेस, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत हाई थी, तो इस वजह से भी ये इदारे लॉस में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ये इंडस्ट्री क्यों चूज़ की, वाइल्स एंड एम्प्यूल्स वाली? जरा गौर से सुने। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली दुनिया में 2-3 बड़ी कंपनीज ने वैक्सीन अप्रूव कर दी, उनकी वैक्सीन अप्रूव हो गई और वो ऑलमोस्ट 90% इफेक्टिव है। तो आप यूँ समझें कि दुनिया की कुल आबादी है 7.5 बिलियन, टोटल पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है। हम एक बहुत छोटा एस्टिमेट लेते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ 10% लोग भी, 10% लोग भी वैक्सीन लगवाएं, तो वो 7.5 बिलियन का 10% 0.75 बिलियन हो गया। और अगर 0.75 बिलियन लोग वैक्सीन लगाएंगे तो पर बंदे को 2 डोज तो लगेगी मिनिमम, तो 1.5 बिलियन डोसेज हो गई। तो जितनी डोज लगेगी उतनी ज़्यादा एम्प्यूल्स भी तो चाहिए होगी। और अगर आप गौर करें तो दुनिया में बहुत कम इदारे हैं जो वाइल्स एंड एम्प्यूल्स बना रहे हैं। और एक और बड़ा सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, अगर आप उन इदारों की जो दुनिया में आउटसाइड पाकिस्तान वाइल्स और एम्प्यूल्स बना रहे हैं ना, उनकी शेयर प्राइसेस पिछले एक साल में स्टडी करें तो किसी की 200% बढ़ चुकी है, किसी की 150%, किसी की 120%। इसमें कुछ मशहूर नाम है, बोरोसाल रिन्यूएबल है, जर्मशायर SG या AG कुछ नाम से एक कंपनी है, इसी तरह वेस्ट फार्मास्यूटिकल है। तो आप इनकी शेयर प्राइसेस जाके देखें क्या स्काई रॉकेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जब उनकी बढ़ चुकी है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ वालों की भी इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ कोई ब्लू चिप कंपनीज नहीं है ग्लास सेक्टर में, बी वेरी केयरफुल, राइट? इट्स अ रिस्की थिंग। तो अपनी रिसर्च और एनालिसिस में ये चीज़ को इंक्लूड कीजिएगा। अच्छा, आखिरी फैक्टर मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। वो क्या है कि जब वैक्सीन बढ़ेगी तो वैक्सीन को स्टोर भी करना होगा, और वैक्सीन स्टोर होगी किसमें? रेफ्रिजरेटर्स में। तो अभी रिसेंटली शायद किसी एक हाउस ने भी इस पर एक रिपोर्ट निकाली है, मेरे ख्याल से गालिबन लास्ट वीक, कि पाकिस्तान में जब वैक्सीन की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसको स्टोरेज की डिमांड भी बढ़ेगी, तो रेफ्रिजरेटर्स की नीड होगी। तो हमारी स्टॉक मार्केट में भी अगर आप गौर करें तो शायद 2-3 कंपनीज हैं लिस्टेड रेफ्रिजरेटर्स से रिलेटेड, तो आप उनके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, उनमें भी ये देखिएगा कि कौन सा ऐसा इदारा है जिसका रेफ्रिजरेटर का मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरह करके आप अपनी थीसिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये थीसिस पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।